एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से ही होती है जहाँ पे हम लोग ऋषि को देखते हैं जो कि बाकी सारे सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिस बारे में हम लोग को पिछली बार नहीं बताया गया था कि उसने थियोदर के साथ क्या बात करी थी। ऋषि यही चाहती थी कि थियोदर उसे इस काम में मदद करे, तो थियोदर उसकी मदद करे। थियोदर बोलता है आप अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर क्यों नहीं रख देते, और मुझे नहीं लगता कि ये एक सही भी तरीका होगा। ऋषि बोलता है, ऋषि कहते हैं कि नहीं, अगर मैंने अपने लिए इंस्ट्रक्टर रखा तो वो बिल्कुल भी मेरे पे हार्श नहीं होगा, और आपने तो मुझे लेटर भी लिखा था कि आप मेरी हर एक चीज में मदद करेंगे। ये सुनके थियोदर कहता है हाँ मैंने भेजा तो था लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो कुछ रियलाइज करता है और वो कहता है ठीक है तुम ट्रेनिंग कर सकती हो। ये सुनके ऋषि भी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है कि आप तो थोड़ी देर पहले मना कर रहे थे लेकिन आप मान कैसे गए। थियोदर कहता है ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होगा क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग करोगे तो मेरा बड़ा भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाएगा। और ये सुनके ऋषि कहती है मैं प्रिंस आर्नेट को ये सब हैरान करने के लिए नहीं करती हूँ। थियोदर कहता है कुछ भी हो मैं तो बस अपने भाई का फेस देखना चाहता हूँ कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे। अब सीन प्रेजेंट आता है जहाँ पे ऋषि काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो कह रही होती है क्या ऐसी होती है कल्काहीन की ट्रेनिंग, और वो बैठ के रेस्ट कर रही थी तभी एक बंदा ऋषि के पास आके कहता है लूसियस क्या तुम ठीक हो। ऋषि कहती है फ्रिट्स मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया मैं थोड़ा सा अभी आराम कर रहा हूँ। फिर फ्रिट्स बताने लगता है कि वो स्यूटेना जगह से आया है जो कि नॉर्थ की साइड पे है। तो ऋषि कहती है जहाँ तक मुझे याद है कि वहाँ पे स्टूलस डॉग के शिप्स भी आते हैं ना। तो वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, और वो बताता है कि वो इस कंट्री में इसलिए आया है ताकि वो एक काफी अच्छा नाइट बन सके क्योंकि वो एक आदमी को काफी ज्यादा एडमायर करता है। और ऋषि पूछती है कि कौन, वो बोलता है प्रिंस आर्नोट, वो तो एक वॉर हीरो है। और आर्नोट का नाम सुनके तो ऋषि मुंह बना लेती है और वो तो प्रिंस आर्नोट की वाहवाही करता ही रहता है और वो कहते वो कितने ज्यादा औसम है, वो स्वॉर्डमैनशिप में तो किंग है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं स्वॉर्डमैनशिप में। तभी वहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि तुम्हें क्राउन प्रिंस को उनके नाम लेके नहीं बुलाना चाहिए। उस आदमी को देख के वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ग्रेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम समझ गए। फ्रिट्स तो उस आदमी को देख के शौक होता है और वो कहता है आप तो लॉविन हो। उसका नाम सुन के तो ऋषि हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या लॉविन, ये तो नॉर्थ में रहते हैं, ये तो काफी ज्यादा फेथफुल ट्रेडर हैं, लेकिन आज से 3 साल बाद ये प्रिंस आर्नोट का स्लॉटर बन जाएगा। और लॉविन जो होता है वो तो ऋषि को ही देख रहा होता है और ऋषि कहती है क्या इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। लॉविन कहता है क्या तुम्हें चिकन खाना पसंद है, तो वो कहती है हाँ पसंद है। तो वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चिकन खाना चाहिए क्योंकि तुम बाकी लड़कों से काफी ज्यादा वीक लग रही हो। वो कहती है हाँ मैं जरूर खाऊंगी। और लॉविन कहता है कल से मैं भी तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं ऋषि को जो कि छुप छुप के स्टोर रूम में आ जाती है और वो स्टोर रूम में अपने मेड वाले कपड़े पहन लेती है जिस कारण कोई शक न करे। और फिर वो रस्ते के सहारे ऊपर आके प्रिंसेस वाली ड्रेस पहन के नीचे चली जाती है और नीचे होते हैं आर्नोल्ड और ऑलिवर। आर्नोल्ड ऋषि के पास आके कानों में उसके कहता है कि कल हमें कहीं बाहर जाना है तो तुम अच्छे तरह से तैयार होके आ जाना। फिर ऋषि अपने रूम पे होती है तो एल्सी कहती है क्या आप मुझे बता सकते हो प्रिंस आर्नोल्ड सीक्रेटली आपको क्या कह रहे थे। तो वो कहती है प्रिंस तो शायद कहीं बाहर जाने वाले हैं कोई ऑफिशियल काम के लिए। तो ये सुनके तो ऐसे काफी खुश हो जाती है और वो कहती है आप चिंता मत कीजिए मैं आपको काफी अच्छे से तैयार करके भेजूंगी। और फिर अगले दिन में हम लोग आर्नोल्ड और ऋषि को देखते हैं जो कि अपने फेस को कपड़े से छुपाए हुए थे और वो लोग अपने महल से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे, जहाँ पे आर्नोल्ड कहता है कि तुम अपने कपड़े को उतार सकती हो। और ऋषि अपने कपड़े को उतारती है और वो काफी ज्यादा मेकअप करके आई होती है और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है कि कह नहीं सकते हैं। आर्नोल्ड तो उसे देखते ही जा रहा था और वो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, ऋषि को वो कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा एम्बेरस होने लगती है और वो कहते है कि मुझे पता है कि हम ऑफिशियल काम के लिए हैं, मुझे माफ करना मैं इतनी ज्यादा तैयार होके आई हूँ। आर्नोल्ड कहता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये सब तो मेड ने ही किया होगा तुम्हारे लिए। उसके बाद वो लोग चलते चलते मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पे आर्नोल्ड अपनी घड़ी को देखता है और वो बोलता है कि तुम मार्केट देखना चाहते थे ना तो तुम देख लो। और ये सुनके तो ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो चारों तरफ मार्केट के स्टॉलों में जाके देखने लगती है। और फिर ऋषि दो गो फ्रूट लेती है
और वो एक आर्नोल्ड को भी खाने के लिए देती है। और जो आर्नोल्ड होता है वो तो मना कर रहा होता है, लेकिन ऋषि के क्यूट चेहरे को देख के वो तो मना भी नहीं कर पाता और फिर वो खाई लेता है। फिर हम लोग देखते हैं आर्नोल्ड तो कहीं और ही जाने लगता है और वो कहता है कि इस स्टोर के ओनर हमारे महल तक कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे उसकी ओनर उन्हें ग्रीट करती है। उसके अगले ही पल वो ओनर उन्हें स्टोन्स दिखाने लगती है और कहती है कि हम ज्वेलर्स थे। और प्रिंसेस ऋषि, क्या आप बता सकती है कि इनमें से कौन सा नकली है? ये सुनकर तो ऋषि हैरान होती है। आर्नोल्ड कहता है तुम ट्राई करो आंसर देने का, और वो उन स्टोन्स को देखने लगती है और बहुत देर देखने के बाद भी वो कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सुन के ओनर कहती है कोई बात नहीं, आपने ऑनेस्ट होके बिना टाइम वेस्ट के सीधे ही आंसर दिया। ऋषि कहती है कि नहीं, मुझे आपके अप्रेजल टूल्स को बोरो करना है। उसके बाद ऋषि अप्रेजल टूल्स से काफी बारीकी से देखने लगती है और फिर वो बोलती है ये तीनों के तीन स्टोन इमिटेशन है। जो सुन के ओनर हैरान होती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके स्किल को अंडर एस्टिमेट किया। ये सब देख के तो आर्नोल्ड मजे ले रहा था। फिर ओनर कहती है कि मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहती हूँ। तभी आर्नोल्ड कहता है जो भी इसे पसंद आए तुम उसे दे देना, जिसके जवाब में ओनर हाँ बोलती है। ऋषि तो ये सुन के काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो तो आर्नोल्ड के काम से आई थी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके लिए? तो आर्नोल्ड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अलाउ करो, मैं तुम्हें एक गिफ्ट में रिंग देना चाहता हूँ। ये सुनकर ऋषि शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या एक रिंग? तो ओनर बताती है प्रिंस आर्नोल्ड वेडिंग रिंग के तलाश में है जो कि वो अपने वाइफ को दे सके, और मैं उसी को जाके प्रिपेयर करके आती हूँ अभी। उसके जाने के बाद ऋषि आर्नोल्ड से कहने लगती है आप इतनी वैल्यूएबल चीज मुझे क्यों दे रही हो? तो आर्नोल्ड कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसके अगले ही पल ओनर बहुत सारे स्टोन्स ले आती है और उनमें से ऋषि के लिए चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऋषि तो ये सोच रही होती है कि वेडिंग रिंग के लिए तो डायमंड सही रहेगा ना, और ऋषि को तो इतने सारे स्टोन देख के समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा सिलेक्ट करे। तो शॉप ओनर कहती है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप पे कौन सा अच्छा लगेगा? तो ऋषि कहती है हाँ जरूर। तो शॉप ओनर कहती है जो आपका फेवरेट कलर है आप उसी मुताबिक स्टोन ले लो जो कि आपके प्योर लव को दर्शाए, तो आप कौन सा कलर का चूज करना चाहेंगे? ये सुन के तो वो अपने ही आप में खो जाती है और वो आर्नोल्ड की आंखों को देख के कहती है इनके आंखों का कलर तो क्रिस्टल क्लियर फ्रोजन सी की तरह है। और वो सोचने के बाद कहती है कि आपके पास ऐसा क्रिस्टल होगा जो कि इनके आंखों के रंग के मैच का हो। लेकिन तभी ऋषि को रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया और वो काफी एम्बैरेसिंग होने लगती है। और ये सुन के तो ओनर काफी खुश हो जाती है और ऋषि तो काफी शर्मा रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती थी, मुझे बस उनके आंखों का कलर पसंद है इसलिए मैंने ये सब कह दिया। ओनर कहती है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद वो उस कलर के स्टोन को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋषि तो यही कह रही होती है कि जो भी मैंने कहा तुम वो सबको भूल जाओ। अगले सीन में वो लोग अपने कासल पे आ जाते हैं और वो लोग छत पर से सिटी देख रहे होते हैं, जहाँ पे ऋषि पूछती है कि यो हाइनेस आप मुझे रिंग क्यों देना चाहते हो? तो आर्नोल्ड कहता है कि एक रिंग देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस बहुत ज्यादा काम करती हो इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ पे ऑर्नामेंट काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुन के तो ऋषि ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि जब वो रिंग कम्प्लीट होगी तो सबसे पहले मैं आपको ही दिखाऊंगी वो रिंग, जिसके जवाब में आर्नोल्ड हाँ बोलता है। जिसके बाद ऋषि कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे लॉवी नहीं है, आपको पता है वो किसका गेस्ट है? आर्नोल्ड कहता है कि मैंने उसे यहाँ पे बुलाया है क्योंकि वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा हमारे नाइट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। वो कहती है आप यहाँ पे किसका वेट कर रही हो? ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे किसका वेट कर रहूंगा? तो वो बताती है जब हम मार्केट में थे तो आपने एक बारी अपने पॉकेट से घड़ी निकाल कर देखा था, ऐसा लग रहा था कि आप टाइम देख रहे हो, लेकिन उसके बाद से आपने एक बार भी टाइम नहीं देखा। इसका मतलब यही है कि आप किसी का तो वेट कर रहे हो जो कि इसी रास्ते से यहाँ पर से आएगा, इसलिए आप यहाँ पे खड़े हो। तो जवाब में आर्नोल्ड कहता है कि मुझे एक दिन दूसरे कंट्री से लेटर आया था जिसपे ये लिखा था कि वो मेरी शादी में नहीं आ सकता है, लेकिन वो मुझे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था इसलिए वो यहाँ पे आने वाला है आज। ठीक तभी वहाँ पे दूसरे कंट्री का कार्ड आने लगता है और उस कार्ड में कंट्री का लोगो देख के ऋषि समझ जाती है कि उसके अंदर काइल है, और ऋषि अपने फोर्थ लाइफ में उसके ही किंगडम में हीलर की तरह काम करी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्नोल्ड एक जगह पे बैठा हुआ होता है और काइल वहाँ पे आके उन दोनों को ग्रीट करता है और शादी की बधाई देता है, और आर्नोल्ड भी उसे इतनी दूर से आने के लिए थैंक यू बोलता है। ऋषि अपने मन में बोली होती है
कि कोयलेस कंट्री और गलकाहीन कंट्री दोनों ही अलग है। यहाँ की कोयलेस कंट्री काफी ज्यादा वेल्दी है क्योंकि वहाँ पे गोल्ड जेम्स एंड सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ पे ज्यादातर मंथ स्नो से ही कवर रहता है। लेकिन 5 साल बाद आर्नोड जब वॉर को स्टार्ट करेगा तो वो भी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर आर्नोड अपनी वाइफ ऋषि को इंट्रोड्यूस कराता है। काइल उसे देख के उसकी तारीफे की पुल बांधने लगता है और उसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बताता है और कहता है कि आप तो बिल्कुल गॉडेस जैसी हो, और वो घुटने पे आके तारीफे करी जा रहा था। ऋषि कहती है कि प्रिंस काइल आपको इतने भी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काइल रुकता नहीं है, वो तारीफ करी जा रहा होता है। तभी ऋषि देखती है कि आर्नोड तो उसे काफी ज्यादा गुस्से से नजरों से देख रहा होता है और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं काइल वहां से जा चुका होता है। यहाँ पे ऋषि आर्नोड से कह रही होती है कि आपको काइल के बारे में कुछ बुरा लगा है, तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो ऋषि कहती है तो फिर आप उसे ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे कि आप उसे अभी ही मार दोगे। आर्नोड कहता है ये बात छोड़ो, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि काइल अपने साथ कुछ एकेडमिक्स को भी लेके आया है जिनके ख्याल का अरेंजमेंट मुझे ही करना पड़ेगा। जो सुनकर ऋषि कहते हैं ये तो अच्छी बात है और मैं काइल को कुछ मेडिसिन दूंगी क्योंकि मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा वीक है। ये सुनकर तो आर्नोड उसे कुछ नहीं कह रहा होता है, सिर्फ उसे देख ही जा रहा होता है। ऋषि कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो आर्नोड कहता है कि मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रही हो, और ऋषि तुम्हें प्रिपरेशन करके रखना चाहिए क्योंकि काइल के साथ लॉविन भी आएगा, क्योंकि काइल के ऊपर लॉविन नजर रखेगा। वहीं पे ऋषि तो लॉविन का नाम सुनके काफी ज्यादा घबरा जाती है। आर्नोड उसका फेस देख के कहते हैं कि आखिर तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो गए, क्या कुछ हुआ है। ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो अपने मन में कहती है कि अगर लॉविन ने मुझे देखा तो वो तो मुझे पहचान जाएगा, और ये सोचकर वो परेशान हो रही होती है। तो इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले से हो नारा और बाय।